चलो गाइस वापस आते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन पे। था फैसिलेटेड डिफ्यूजन जो होता है वेरी स्पेसिफिक होता है, डिफ्यूजन स्पेसिफिक नहीं था, फैसिलेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक होता है। इट अलाउस सेलेक्ट टू सब्सटेंस फॉर अपटेक, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इट्स अ सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ये याद रखना, पूछा गया है ये इनहिबिटर कैसे सेंसिटिव होता है और रिएक्शन करता है प्रोटीन साइड चेन से। अभी हम लोग कहां पे पढ़े थे, साइड चेन से को एंजाइम में को फैक्टर में जब मेटल आयन पढ़ रहे थे, प्रोस्टैटिक कोएंजाइम और मेटल आयन। मेटल आयन क्या कर रहा था, साइड चेन से बॉन्ड बना रहा था। यहाँ पर भी देखो सेंसिटिव इनहिबिटर व्हिच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, यही प्रोटीन से वाटर चैनल बनता है या चैनल बनता है। कुछ बड़े मॉलिक्यूल से बनते हैं, कुछ छोटे से मॉलिक्यूल से बनते हैं, कुछ चैनल बड़े होते हैं, कुछ चैनल छोटे होते हैं। यहाँ पे वही है, यहाँ पे ये देखो पूछा गया है पोरिन प्रोटीन जो होता है कहाँ कहाँ होता है और ह्यूज पोर बनाता है, कहाँ कहाँ होता है ये इंपोर्टेंट रखना। पोरिन प्लास्टिड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और सम बैक्टीरिया में होता है, सम बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में। तो क्या पोरिन कहाँ कहाँ होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अलाउिंग द मॉलिक्यूल अप टू द स्मॉल प्रोटीन पास थ्रू इट। अब एक्स्ट्रा सोल यहाँ पे बस ये याद रखना, वाटर चैनल मेडअप ऑफ एक्वापोरिन। आ जाओ, अगर मॉलिक्यूल जो है अकेले अकेले पास कर रहा है, ठीक है, तो वो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन में अकेले कैजर प्रोटीन के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पास हो रहा है तो यूनिपोर। अगर दो है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट पास कर रहा है तो एंटीपोड, अगर साथ साथ कर रहा है एक एक डायरेक्शन में तो सिंपोड। यहीं पे यही लिखा है एंटीपोड बोर्ड मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन द सेम डायरेक्शन, एंटीपोड अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे है मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल तो यूनिपोर्ड। अब आ जाओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यूज एनर्जी का और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, और ये जो है एनर्जी का यूज करेगा और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेनस प्रोटीन से था, ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन से है ना। बीच पंप ट्रांसपोर्ट इसमें भी, इसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा, वो दोनों में डाउनहिल था। एक पैसिव में जो होता है डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड में डाउनहिल होता है, यानी कि हायर से लोअर जाएगा, इसमें लोअर से हायर जाएगा, अपहिल होता है, अपहिल होगा। इसमें भी सैचुरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट रेट रीच मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन सैचुरेटेड, ऑल प्रोटीन यूज हो जाएगा तब तो सैचुरेटेड। इसमें भी एंजाइम कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक के लिए होता है इनहिबिटर। इसमें भी इसके साइड चेन से मतलब सब कुछ जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मिल रहा है, बस दो चीज छोड़ करके, इसका अपहिल है उसका डाउनहिल था, जिसमें एनर्जी यूज हो रहा है उसमें एनर्जी यूज नहीं हो रहा था, पैसिव था वो, ये एक्टिव है। एक चीज और, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब यहाँ पे आ जाओ बॉक्स में, यही तीनों को कंपैरिजन किया गया है। ये देखो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, फैसिलेटेड में और एक्टिव में, यस हाईली सिलेक्टिव होता है डिफ्यूजन नहीं होता है, फैसिलेटेड होता है क्योंकि दोनों सिलेक्टेड प्रोटीन मतलब प्रोटीन के थ्रू हो रहा था, तो प्रोटीन जो जिसका रहेगा उसी को वो सिलेक्ट करके अंदर लाएगा। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन था, डिफ्यूजन में नहीं था, फैसिलेटेड और इसमें था क्योंकि टोटल प्रोटीन जब यूज हो जाता था तो सेचुरेशन में पहुंच जाता था। अपील ट्रांसपोर्ट नहीं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, ये दोनों नहीं, ये यस। रिक्वायर्ड एटीपी नहीं, ये दोनों पैसिव है, इसमें यस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाया हूं भाई, देख लेना। अब प्लांट वाटर रिलेशन आ जाओ, इसमें यही बोला गया कि प्लांट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब प्लांट में होती है। वाटर मिलर में तरबुज्जे में जो है 92% वाटर होती है, 92% वाटर होती है। हर्बेसियस प्लांट में 80-85% वाटर होती है। यहाँ पे 10-15% इट्स ड्राई वेट दिया है कि फ्रेश वेट ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ए ड्राई वेट होता है, तो बाकी का 80-85 कितना हो गया, 85 मतलब 90-85 to 90% कर सकते हो, वो वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट मेकअप ऑफ, ये देखो डेली जो होता है, जो भी वाटर होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट में, उसके लिप में एक स्टोमाटा स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ट्रांसपायरेशन करता है। हम लोग स्टोमाटा के बारे में पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, है ना, तो थोड़ा सा वो बाद में अभी पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन के थ्रू एक मैच्योर प्रॉन प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ इन ए वाटर। जो भी मक्के का होता है पौधा, वो 3 लीटर वाटर इन ए डे, एक दिन में 3 लीटर वाटर। मस्टर्ड प्लांट, सरसों का जो है, ये अपने वेट के बराबर 5 आवर्स में जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखो, ये जो है लिमिटिंग फैक्टर होता है, नोट्स है, वाटर इज लिमिटिंग फैक्टर किस किस में, एग्रीकल्चर में और नेचुरल एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर और नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों में ये लिमिटिंग फैक्टर होता है। अब आ जाओ वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, थोड़ा समझा देता हूँ फिर ऐसे ही टिक करके निकल जाऊंगा। वाटर पोटेंशियल वाटर में जो होता है काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एनर्जी कारण ही रैंडम, मतलब उसके बाद फ्री एनर्जी होती है, उसी की वजह से वो बहता है ना। तो वाटर पोटेंशियल तो इसमें बोलता है वही एनर्जी के कारण जो है वाटर में क्षमता होती है, वही काइनेटिक एनर्जी के कारण, देखो दे रखा है। और वाटर जो रहता है इसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्योर वाटर में रहती है, उसमें सोल्यूट मिलाते जाओगे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि उसके बीच के मॉलिक्यूल का जो एनर्जी रैंडम मोशन में इधर से उधर दौड़ रहा था, वो उसके पास कम स्पेस बचेगा, वो जो है सॉल्यूट घेर लेगा, तो धीरे धीरे वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर में होगा, जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा, यहाँ पे यही दे रखा। अब जो है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में सब्सटेंस जो है मूव करेगा, तो वो प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। अब ये जो वाटर पोटेंशियल है उसे साई से यूज करते हैं, साई पूछा गया नहीं, ग्रीक सिंबल साई से करते हैं, और उसका यूनिट जो होता है पास्कल होता है, यूनिट जो होता है पास्कल होता है। ये बता चुका हूँ कि कोई भी जो है वाटर पोटेंशियल एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जीरो लिया जाता है, मान लिया गया है जीरो लिया जाता है और वही मैक्सिमम होता है। अब दिमाग लगाओ, जीरो अगर मैक्सिमम है तो और वैल्यू निगेटिव में होगी तभी मिनिमम होगी, तो जीरो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू निगेटिव में आती है, ठीक है, सॉल्यूट मिलाएंगे तो। आ जाओ ये देखो लोअरिंग सॉल्यूट, अब देखो जो भी सॉल्यूट मिलाते हैं वाटर पोटेंशियल में, वो सॉल्यूट कितना एनर्जी कम करता है वाटर पोटेंशियल को, वो जो एनर्जी कहलाती है वो सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाती है। यानी कि जिसमें ज्यादा सॉल्यूट रहेगा उसकी सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगी। ऐसे याद रखना कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, जिसमें वाटर पोटेंशियल रहेगा ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल कम रहेगा। और अभी पढ़ोगे कि वाटर पोटेंशियल को दो कंसेप्ट से सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल मिलकर के दोनों डिटरमाइन करते हैं कि कितना वाटर पोटेंशियल होगा। अब आ जाओ सॉल्यूट पोटेंशियल को साइन एस से करते हैं, यहाँ पे दो मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल, द लोअर विल बी साइन एस, ये मोर निगेटिव के सेंस में बोला है, मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा लेकिन ऐसे वैल्यू कम रहेगा। मैग्नीट्यूड ही हम लोग देखते हैं, साइन नहीं देखेंगे, साइन देखोगे तो गड़बड़ा जाओगे, साइन मत देखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा सॉल्यूट रहेगा उतना वो कम वाटर पोटेंशियल को कर देगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्योर वाटर, अब ये देखो यहाँ पे ये चीज दिया है, फॉर ए सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखो ये फॉर्मूला होता है साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी, साइन एस सॉल्यूट पोटेंशियल है, साइन पी प्रेशर पोटेंशियल है, साइन डब्ल्यू जो है वाटर पोटेंशियल है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जीरो जीरो बार होता है, जीरो एटमॉस्फेयर होता है, सॉरी बार में 760 बार होगा, जीरो है ना, स्टैंडर्ड जीरो होता है। तो अगर यही हमारा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जीरो हो गया तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, साइन यस हो गया, साइन यस हो गया। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये प्रेशर ग्रेटर देन, यहाँ पे ए सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे और क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड करेंगे, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाइड करेंगे फोर्स, तो फिर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी निगेटिव में है,
ये भी निगेटिव में है और इसमें जो है पॉजिटिव, मतलब ये जो है अब जीरो से एटमोस्फेरिक प्रेशर को जीरो एटीएम लिए तो इससे बढ़ाएंगे तो या तो एक रखेंगे या तो दो रखेंगे या तो तीन, जो भी रखेंगे ये माइनस को, अगर यहाँ पे साइन डब्ल्यू को माइनस फाइव ले लिया जाए और इसको प्लस वन लिख लो या प्लस टू, तो टोटल कितना आ जाएगा वैल्यू, माइनस फोर हो जाएगा। माइनस फाइव बढ़ाया कि माइनस फोर बढ़ाया, माइनस फोर बढ़ाया है ना, समझ गया। तो साइन डब्ल्यू यही यहाँ पे समझाया है, ठीक है भाई, यहाँ पे यही समझाया है कि इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर पे अप्लाई प्योर वाटर सॉल्ट द वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर, अब देखो जब भी ये प्रेशर जो बिल्डअप होता है जब डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर वाटर आता है तो वो वाटर जो एक धक्का लगाता है किस पे, दीवार पे सेल के। जैसे तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में पानी भर जाए या गुब्बारे में पानी भर देते हो या घर में पानी भर जाए तो वो दीवार पे धक्का मारेगा। जैसे देखते हो बड़े बड़े जैसे बांध नदी में वो आते हैं, बाढ़ आता है तो उसका किनारा टूट जाता है, क्यों टूट जाता है, वो धक्का देता है। तो वैसे ही जब सेल के अंदर पानी आएगा तो वो सेलवाल पे धक्का मारेगा, वो जो प्रेशर सेलवाल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, धक्का मारना मतलब फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स है और एक डिफिनिट एरिया में धक्का मार है तो वो प्रेशर है। तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है पानी अंदर आके सेलवाल पे वो क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर कहलाता है। आगे पढ़ेंगे और वही जो है टर्जिड बनाता है ना, बिल्डअप टर्जिड सेल को। अब यहाँ पे यही है प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल इज, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव बता दिया है। द प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल टेंसर वाटर कॉलम लाइक ब्ला ब्ला, ये साई पी से डिनोट करते हैं इसको। अब ये देखो अभी बताए थे साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, पूछा गया है नहीं, पूछा है, ध्यान देखना, ध्यान देना ये फॉर्मूला, ध्यान देना भाई, ध्यान देना ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो आ जाते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो होता है हमेशा ऑस्मोसिस लिविंग परमेबल मेम्ब्रेन में होता है, तो ये याद रखना। ऐसे अब तो लिविंग में नहीं, लिविंग में नहीं, पहले लिविंग में मिलता था। अब कॉपर फेरोसाइनाइट एक होता है, वो भी जो होता है सेमी परमेबल होता है, उसका बना हुआ परचेंट पेपर, वो भी सेमी परमेबल होता है, सॉरी द सेल वॉल फ्रीली परमेबल वाटर सप्लाई। ये तो ऐसे ही कि सेल वॉल सब जानते हैं, सॉरी सेल वॉल अभी पढ़े थे ना, सेल वॉल सेमी परमेबल था, सॉरी सेल वॉल मतलब फुल्ली परमेबल था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमेबल प्रोकैरियोट का था, और सेमी परमेबल किसका था, प्रोकैरियोट का सेमी परमेबल था और यूकैरियोट का सिलेक्टिव परमेबल था। वहां पर भी बताया था कि सेमी परमेबल सिलेक्टिव परमेबल में गड़बड़ाना नहीं, प्रोकैरियोट का जो होता है वो सेमी परमेबल होता है और यूकैरियोट का सिलेक्टिव परमेबल होता है। अब ये भी बताया था कि एग्जाम में आ जाए जब तक प्रोकैरियोट यूकैरियोट मेंशन ना कर दे तब तक क्या मारोगे, सिलेक्टिव परमेबल है ना, क्योंकि ज्यादातर यूकैरियोट है, सिलेक्टिव परमेबल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हॉल कंट्री बेस कूलर से इन प्लांट से सेल मेम्ब्रेन, तो ये सिंपली यही बोला है। ये देखो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है और इधर लो कंसंट्रेशन है, ये एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो ये हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है किसका, वाटर का, और ये लो कंसंट्रेशन है किसका, वाटर का है ना, ये भी वाटर का है, ठीक है। और बस दोनों में डिफ्यूजन में क्या होता था कि सीधे इधर से इधर चला जाता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा, इसी के थ्रू जाता है। तो फिर ये जो है ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही हुआ, एक टाइप का डिफ्यूजन ही हुआ, लेकिन इसमें अलग क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों पे यूज होगा, दोनों इसको कंट्रोल करेगा। और सेल में जो है वैक्यूल, वैक्यूल का और सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलकर के डिसाइड करता है, यहाँ पे देख रखा है। देखो इन प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल दोनों प्लांट टुगेदर इंपॉर्टेंट टू डिपेंड ऑफ डिपेंड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये दोनों डिटरमाइन करता है कि मूवमेंट का मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर होगा, कौन कौन सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट वैक्यूल का बताया थे ना कि कोलजी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम और वैक्यूल तीनों सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो ये दोनों जो मिलकर के है किसका, सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट वैक्यूल का मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। देखो क्या बोला था, ऑस्मोसिस रेफर स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन है लेकिन स्पेशल टाइप